स्वयं का स्वभाव निर्मित करने। बातें तो बहुत होती हैं सुनी सुनाई जगत की, दुनियादारी की। आप ही शिला हैं, आप ही शिल्पकार हैं, आप ही चित्र हैं और आप ही चित्रकार हैं। आप समझे थोड़ा सा बड़े ध्यान से, आप स्वयं अपने स्वभाव को निर्मित करने में सक्षम हैं। कैसा स्वभाव आपको बनाना स्वयं का, वो आप चयनित करें। वैसे आप समझे, दुनियादारी में यूं तो अपार अलग अलग विषय भोगों में फंसे हुए आदमी हैं, इंसान है, दुनियादारी है और उनमें से हम भी हैं। किसी की राह किसी तरफ है, किसी की राह किसी तरफ है। मुख्यतः एक ही चीज हमारे सामने प्रस्तुत रहती है जो हम सब के लिए, वो है स्वार्थ। जब आप जिस दिन आप खुद को समझने लगेंगे, खुद के भीतर की बुराइयों को कमियों को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका निर्माण शुरू हो जाएगा। उस दिन से आप स्वयं को निर्मित करना शुरू कर देंगे। आप सभी कर्म करते समय, सोचते समय, अच्छे फैसले लेते समय, खास निर्णय, तो वैसे खास जीवन खास समय तो आपका चलता ही रहता है, लेकिन उसमें आप सभी सधे समझें, लेकिन कहां बैठे। हमेशा राजा अपनी गद्दी पे बैठ के ही अच्छे फैसले सगत फैसले लेता है। आपका बैठने का स्थान है आपकी आज्ञा, जहां आपका तीसरा नेत्र है, सारी ऊर्जा स्वयं को भूल के वहां बैठ के कोई भी कर्म करते हैं तो आपका सही दिशा में मार्गदर्शन आप स्वयं को दे सकते हैं। आपकी समझदारी दुनियादारी के विषयों के चक्कर में दूसरों की चरित्र अपनाते हैं, दूसरों के विचारधारा अपनाते हैं, दूसरों के शब्द अपनाते हैं, दूसरों को ही सदा समझने की चेष्टा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्वयं को निर्मित करने में हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। हम स्वयं को स्वयं बना सकते हैं, स्वयं को स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। रोग दोष बुराई बीमारी क्रोध में अशांति में हम दूसरों को खोजते हैं। जब आप कई बार उमंगित होते हैं, उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, तब आप किसी खास को रूबरू या मिलने की चेष्टा करते हैं। आज मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, आज मैं किसे बुलाऊं, आज मैं किसे ध्यान धरूं, किसका नाम लूं जो मेरे संग हो मेरे पास हो। जब आप दुख से घिरे रहते हैं तो भी अपनों को पुकारते, दूसरों को पुकारते हैं कि कोई है जो मुझे ढांढस बंधा दे, जो मुझे ठीक कर दे, जो मेरे स्वभाव को मुझे हिम्मत दे दे। लेकिन आपके पास हिम्मत बहुत है, आपको बस मात्र सहज होना है। सहज होने के साथ साथ आप स्वयं को निर्मित कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान धरना है, कोई भी आदमी स्वयं के, कोई भी इंसान स्वयं के, कोई भी साधक, साधना तो हर एक करता है, साधना तो हर एक चाहता है, लेकिन दूसरों के अनुसार, स्वयं के अनुसार नहीं। आप एक ज्ञान मूर्ति हैं, बड़े संतों की शरण में है, सबके गुरु महान हैं, जिसने जो भी गुरु बनाया है, जो गुरु जिसके भीतर बस गया, जिसका विश्वास जहां जम गया, वो महान है। उस महान गुरु जो भीतर बस गया, उसकी मार्गदर्शन में, उसकी शरण में, उसी से आत्म साक्षात्कार में आपके सब भेद गठड़ी खुलते रहते हैं। लेकिन स्वयं देखें कहां कमी है, पूर्ण प्रसन्नता नहीं मिली ना स्वयं को ना भीतर बैठे हुए को। आप खुल के ना हंस पाए, भीतर ही भीतर गदगद पूर्ण ना हो पाए,
आपको पता रहता है कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी रह गई, और आप संशय में रहते हैं। जब आप पूर्ण विश्वास से होते हैं, किसी भी सामग्री का स्वाद चखने से पहले आप विश्वस्त रहेंगे कि हाँ बहुत ही सुंदर है। जहां परम का नाम आया, जहां आत्मा का ध्यान हुआ, वहां आप विश्वस्त रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, भयभीत नहीं होंगे। भय किसी भी प्रकार का नहीं, दूसरा कोई कुछ कह दे, लेकिन स्वयं से उसको सुंदर बनाने के लिए स्वयं को प्रेरित करें, अपने ही चित्र में रंग भरने के लिए। रंग भरें कहाँ, आप लोग समझें, रंग कहाँ भरें, चित्र बना के चित्र में रंग भरें, या अपने स्वभाव को निर्मित करें। एक आदमी जब आमने सामने होता है, बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत ही सुंदर, उसमें किस प्रकार का प्रसंग वो लेके आता है, वो चीजें हमारे भीतर होनी चाहिए। पहले से आदमी सदा हुआ होना चाहिए, इसीलिए तपस्वियों की ये भूमि है, ऋषियों की हम संतान हैं। हमारे बड़े बड़े शांत सहज बड़े ऋषि, रिसर्च करने वाले विज्ञान वैज्ञानिक भी पूर्ण, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं, उनसे हमें सीखना और समझना जरूरी है। उन्हीं का हम अंश हैं, लेकिन वो छोड़ चुके हैं। हम दूसरों के लिए, दूसरों पे निर्भर हैं। जो दूसरा करता है उसी की पद चिन्हों पे हम चलना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं के पद चिन्हों पे नहीं चलना चाहते। स्वयं के लिए भीतर किसी को बिठाया नहीं, भीतर किसी के प्रति चाह जगाई नहीं, लेकिन इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में बाहर वालों पर निर्भर है। ये इंद्रियां कहती हैं कि मुझे बाहर वालों पर बड़ी अपेक्षा है, बड़ी चाहत है, लेकिन वो चाहत किसी काम की नहीं। बिना इंद्रियों की पूर्ति के भी आप स्वयं की पूर्ति, ये इंद्रियां जिस दिन आपकी पूर्ति करना चाहेंगी कर देंगी और करेंगी दृढ़ निश्चय के साथ, फिर बाहर की सुंदरता आपको कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपके भीतर अथाह सुंदरता है। आप मजबूत भी बहुत हैं, आप बहुत सुंदर शिल्पकार हैं, बहुत सुंदर कलाकार हैं, सदे हुए, लेकिन स्वयं को समझें। आपका चरित्र कोई और बिगाड़ता है, वो कौन है? आपकी इंद्रियां, आपकी चाहत, आपका स्वार्थ, आपकी सोच कौन बिगाड़ता है? ये बुद्धि। इसमें दूसरों के प्रति, अगर कोई दूसरा अच्छे कपड़े पहने तो मैं क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं पहने? कोई सुंदर दिखता है, किसी की माटी सुंदर है तो कहता है कि मेरी माटी सुंदर नहीं है, अपने आप को ही नीचे गिराने की चेष्टा करते हैं। नहीं गिराना चाहिए स्वयं को, उठाना चाहिए। एक गृहिणी, एक माँ, एक पिता, सब तो सुंदर हैं। अगर वो अच्छा ना होता तो परम उसको जिम्मेदारी ना देता, लेकिन हम निभाने में, जानने में, समझने में, करने में हम पिछड़ते रहते हैं हमेशा। दूसरों को देख के कहीं हमें कोई टोक ना दे, हमें कोई रोक ना दे, हमें कोई गलत ना कहे। आदत है सबकी, सबको गलत कहने की, स्वयं को श्रेष्ठ बताने की, श्रेष्ठ में परचम लहराने की आदत है, लेकिन वो दूसरों के लिए कि दूसरे कह दें एक बार कि अच्छा है, लेकिन आप स्वयं पे निर्भर नहीं कि स्वयं भीतर से जो भीतर वाले या स्वयं कहें कि नहीं मुझ में कोई कमी नहीं, लेकिन अनजाने में नादानी में कोई कहे मुझ में कोई कमी नहीं तो कमी तो देखी नहीं। देखने के बाद, समझने के बाद, भीतर प्रवेश करने के बाद, स्वभाव में देखने के बाद मुझ में क्या क्या कमियां हैं, और उसको दूर करने के बाद, उन कमियों को दूर करने के बाद आप कह सकते हैं कि मैं अच्छा हूं। कुछ लोग कहते हैं अच्छाई की कोई अपारता नहीं, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना आप कर सकते हैं, और आगे बढ़ने की आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। आपके कदम धैर्य के साथ चलेंगे तो लड़खड़ाएंगे नहीं।
आपकी हिम्मत सदने के लिए साधन बने तो आप रुकेंगे नहीं, आप निरंतर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहेंगे। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि उसका मन तो कहीं और लगा है, उसकी चाहत, उसकी चेष्टा, उसकी जिज्ञासा तो कहीं और किसी और विषय में है। अगर पढ़ाई में उसकी चेष्टा, उसकी लगन, उसका ध्यान होता तो वो पढ़ाई में ऊपर होता, लेकिन हमारी दृष्टि कुछ और है, हम करते कुछ और हैं, यही विडंबना है। एक गृहिणी, आजकल तो बहुत ही विषय है, एक गृहिणी आजकल बहुत विषय है कि वो एक साथ कई काम करना चाहती है। वो खाना भी बनाएगी, भगवान का गुणगान करती रहेगी, कर सकती है, लेकिन सदने के बाद अगर उसका ध्यान पूर्ण भोजन बनाने में, तो प्रसाद बनेगा और उसको भीतर संशय नहीं रहेगा कि कैसा बना। खाने वाले कहेंगे वाह बहुत सुंदर, भगवान की भक्ति करें तब कुछ ना विषय हो, खाली एक भक्ति ही विषय हो, मुझे और कुछ नहीं करना, स्वयं को संभालें, स्वयं को रोकें, स्वयं को बांधें, स्वयं के सामने जो आपका कर्म है वो आप करें, तो बहुत ही सभ्य होगा और आपको बड़ी आत्मसंतुष्टि होगी। बुद्धि की संतुष्टि होना पूर्णता नहीं है, आत्मसंतुष्टि होना पूर्णता है। जिसकी आत्मसंतुष्टि है वो एकदम सहज कह देगा हाँ बहुत सुंदर है। अनुभव करने की बात है, हम लोग अनुभव नहीं करते, बस किया भीतर से हाँ हुई, चल भाई भाग ले, लेकिन हाँ किसकी है ये हम नहीं देखते। वो बुद्धि की हाँ है, मन की हाँ है, इंद्रियों की हाँ है, लेकिन स्वयं की हाँ है या नहीं है, स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा की हाँ है या नहीं है। देखिए भक्ति मार्ग बड़ा सुंदर मार्ग है, और सही मायने में हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो शरीर में पीड़ा विषय हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्ञान पाने से शरीर में रोग दोष विकार हो सकते हैं, लेकिन निश्चलता, निर्मलता, कोमलता भक्ति के मार्ग से आती है। भक्ति के मार्ग में चलने से प्रेम प्रथम आपके पास क्रिया है, सोच है, समझ है, एक भाव है, एक लहर है जो प्रेम है। प्रथम प्रेम आपके भीतर है किसी के प्रति, लेकिन वो सच्चा और अच्छा है, चाहत है। लेकिन प्रेम में जब इंद्रियों का आगमन होता है, मिलन होता है, तब प्रेम प्रेम नहीं रहता। लेकिन इनसे हटके एक चाहत, एक प्रेम, एक श्रद्धा और भाव अगर परम के प्रति हो तो बड़ा ही सुंदर है, तो फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आप पुलकित रहते हैं, आप आनंदित रहते हैं। लेकिन विषय जब आया, विषय जब आया, विषय नहीं है, प्रेम एक ऐसी हवा है, प्रेम एक ऐसी मधुर संगीत है कि सबके भीतर उतर जाए। प्रेम एक ऐसी लहर है कि ऐसा लगे कि लहर और स्वयं दो नहीं, एक ही हो जाए। प्रेम अपने भीतर की एक सुंदर कोमलता है, प्रेम एक फूल की सुंदर महक है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको सहज होना पड़ता है। जो सहज हो गया, बड़े ध्यान से देखा आपने कि मुझे चाहिए कुछ इससे, कुछ लोग प्रेम करते हैं कि आगे जाके मुझे ये अच्छी बातें बोलेगा, मीठी बातें बोलेगा, मेरा आदर करेगा, मेरा मान सम्मान करेगा, या मुझे सहारा देगा, इससे मुझे कोई ना कोई तो साधन होगा। लेकिन ये दुनियादारी जीनी है, ये भीतर प्रवेश करना नहीं है। भीतर अगर आप प्रवेश कर गए तो स्वार्थ सब कुछ यहीं बाहर छूट जाएगा। अगर छोड़ दिया, हम लोग चाहते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं भगवान से, प्रेम इसीलिए करते हैं कि हमारे दुखों को हर ले। हम चाहते हैं भगवान हमारे दर्द को हर ले, भगवान हमें सहारा दे। जो पहले से ही सहारा दिए हुए है, आपको संभाले हुए है, और आप कहते संभाल मुझे, संभाल, तुम मेरा ध्यान नहीं रखता, तुम मुझे पकड़ के नहीं रखता, तुम मुझे आगे नहीं बढ़ाता, तुम मेरा ख्याल नहीं रखता, तो ख्याल रखने वाले के ऊपर क्या गुजरेगी। आप इस बात को ध्यान से समझें,
जो गुरु है रोहतास भारद्वाज गुरु धन्य है उनका, गुरु धन है उनका, मान और सम्मान है, गुरु धन है उनका, मान और सम्मान है, वो परम है, मिलने की चाहत है, मिलने की इच्छा है, लेकिन भीतर रूपांतरित नहीं किया। भीतर में रूपांतरित करना एक तीसरा नेत्र खोल के, भीतर की आंखें खोल के और भीतर प्रवेश करके उनको सजा के, उनके चरणों की धूलि माथे सजा के, उनकी आरती उतार के, उनका भिन्न भिन्न एक प्रेम, उनका स्नेह ऐसे के जैसे अपनी शरण में ले लिया और उनकी शरण में ले लिया कि हर दुख तकलीफों से मुक्ति। गुरु एक ऐसी बहार है कि एक साथ अनेकों फूल खिलते हैं, एक साथ हजारों फूल खिलते हैं और आप कहते हैं वाह। गुरु एक ऐसी शक्ति है कि आपके चारों तरफ आपकी रक्षा और सुरक्षा, आपके भीतर और बाहर माहौल अच्छा करती है, लेकिन वो गुरु कहां रहे? उस गुरु से मिलने के लिए आपको सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना होगा। हम अनजान रहते हैं, पास में कोई भी वस्तु सामग्री या सामान पड़ा रहता है, लेकिन हम खोज नहीं करते, हम खोज नहीं करते। जिसको जहां शांति मिलती है वहां से हट लेते हैं, बस यहां शांति खत्म होगी, कहीं और, कोई और पुरुष। ऐसे इंसान भटकते रहते हैं, दूसरी सभ्यता में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन खुद की सभ्यता जो हमारे ऋषियों मुनियों की थी वो नहीं चलाते। जब भूख लगती है भोजन करें तो बड़ा अच्छा है, शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और आत्म तृप्ति के लिए। और बिना भूख के हम भोजन करते रहते हैं, बिना भूख के हम भोग करते रहते हैं, तो वो तो एक अपनी आदत को स्वयं बिगाड़ना है। आज तक हमने क्या किया है? बिगाड़ते ही आए हैं अपनी आदतों को, लेकिन कभी ठीक से उन आदतों को, उन लाभ को समझा नहीं। लाभ क्या है, हानि क्या है, मोल क्या है, भाव क्या है, भाव ही लगाते हैं हम, लेकिन इन सब से भाव, एक बाजार का भाव है, एक शत और प्रेम और भाव है कि गुरु का भाव क्या है। गुरु का भाव महान है, अनमोल है, या उसका भी कोई मोल है? गुरु हमें कुछ देगा तो मोल है, भगवान हमें कुछ देगा तो मोल है, कितना देगा, जितना हम देंगे वो मोल भाव है। लेकिन मोल भाव नहीं करना, मोल भाव से ऊपर उठ जाना है। जीना तेरे लिए, ये जीवन तेरे लिए, ये जन्म तेरे लिए। अपनी भा के देखें, अगला पड़ाव पे भी आपको वैसा ही माहौल नजर आएगा, अगले जन्म में भी आपको वैसा ही माहौल नजर आएगा जो इस जन्म में आप निभा के जाते हैं। दुनियादारी से भटकना, दुनियादारी में भटकना, दूसरों की जेब में देखना, दूसरों के घर महल और हवेली देखना, जो जिसकी है, जो नाम रखे हुए है, हम उसी पे जीते हैं कि ये इसका कितना बड़ा महल है, कितना अधिक ऐसो आराम है, ये आदमी बड़ा सुखी है, लेकिन आप भीतर जाके देखेंगे तो वो सुखी नहीं है, वो भी किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है। हम उसकी पीड़ा से पीड़ित हैं कि उसका कितना बड़ा महल है, उसकी कितनी सुंदर स्त्री है, उसकी कितनी बड़ी गाड़ी है, उसका बेटा कितने ऐसो आराम से रहता है, उसकी बेटी कितने सुंदर कपड़े पहनती, तन उन्होंने ढका, तन हमने ढका, बात एक ही है। ऐशो आराम वो नहीं जो आपके भीतर जो गुरु देते हैं, जो गुरु से मिलन में जो सहज और शांति, वो ऐशो आराम किसी के पास नहीं है। जो आप भक्ति, आपके भीतर चाहत है, आपके भीतर जो प्रेम है, वो औरों के भीतर नहीं। उस प्रेम को बेच के, उस चाहत को बेच के, उस श्रद्धा और भाव, उस भगवान को बेच के उन्होंने ऐशो आराम कमाया और पाया है। आप बेच सकते हैं, आप भी पा सकते हैं। आप स्वयं को बेच के स्वयं को कुछ भी पा सकते हैं। जो भटकते हैं, ठीक है, सदने के बाद मैं ये ना कहूंगा कि इंद्रियां भटके तो आपको जन्म बिगाड़े, लेकिन आप भटके तो राही राह मिल जाती है राही को। भटकना तो चाहिए, लेकिन जो आपके
अपने अगर एक नौकर है, सदा ताबेदार रहता है मालिक के शरण में, मालिक के संग, जो मालिक के आदेश की इच्छा रखता है और मालिक आदेश ना भी करे तो भी उसका ख्याल रखता है। एक नौकर ऐसा है कि वो मालिक से नजरें चुराई नहीं कि कहीं भी जाके बैठ जाता और अपनी मनमानी करता है। मनमानी वाला नौकर बनना चाहते हैं या ताबेदार बनना चाहते हैं? कि गुरु की इच्छा से पहले, मालिक की इच्छा से पहले मैं वो काम करूं जो मालिक को भाए। आप ईमानदार है, वफादार है, आप क्या है, आप किस प्रकार के चाकर बनना चाहते हैं वो आप देखें। जो भटकता है, जो उसको ही स्वाह करता है, जो उसके धन पे ऐसो आराम करता है, चोरी करता है, चकारी करता है, वो ऐसा समझता है कि मालिक की नजरों में धूल झोंक दे, लेकिन वो धूल झोंक नहीं पाता। कोई भी धूल नहीं झोंक पाता क्योंकि परमात्मा की प्रकृति ऐसी ही है, सबके नजरें रखे हुए हैं। हम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, चाहकर भी, लेकिन हम अपना स्वाद, अपना स्वभाव बिगाड़े हुए हैं। अपने स्वभाव को आप ठीक करें, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप कर सकते हैं। दूसरा आपके स्वभाव को बिगाड़ सकता है, आपके स्वभाव को ठीक नहीं कर सकता। आपका ध्येय धर्म क्या है? अगर आपके माँ बाप आपके सामने नहीं है, पीछे हैं, कहीं और हैं, कहीं भी हैं, अगर आपको आंखें बंद करने के बाद उनकी इज्जत मान और सम्मान, उनकी जो भी उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, तपस्या की आपके लिए, वो आप भूल गए, तो आप कभी भी अपने धर्म को जीवित नहीं कर सकते। आप कभी भी स्वयं को मार्ग नहीं दे सकते। आने वाली चीजें हैं, आने वाली बातें हैं, देखे जाते हैं। एक पेड़ का पत्ता जो पीला हुआ, जब वो झड़ने की कगार पे है, पड़ने की कगार पे है, तो उसके नीचे, उस पत्ते के पास से ही अनेकों सृजनताएं उगती हैं, जागती हैं। आपके भीतर से भी अनेकों, आप जिम्मेदारी छोड़ते हैं, जिम्मेदार किसी को बना देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो उसमें अनेकों संभावनाएं भी देखते हैं और संभावनाओं पे बेटा बेटी या कोई भी अपना प्यारा खरा ना उतरे तो आप पीड़ित होते हैं। आप पीड़ित होते हैं लेकिन स्वयं पे नजर की नहीं, दूसरों से इच्छा की। ये अच्छाई नहीं, ये सच्चाई नहीं। स्वयं पे नजरें की, स्वयं के भीतर सहजता नहीं आई, स्वयं के भीतर शांति नहीं आई, लेकिन दूसरों से कामना करते हैं। अपने स्वभाव को निर्मित नहीं किया। यहां आप परम के समक्ष जब, यहां परम के समक्ष जब होंगे, स्वयं के समक्ष जब होंगे, तब आप देखें। यहां शिला भी आप हैं, शिल्पकार भी आप हैं, चित्र भी आप हैं और चित्रकार भी आप हैं। आप स्वयं ही रंग भरेंगे और भर सकते हो और भरना चाहिए। आपको बताने वाला एक है मार्गदर्शक, आपका गुरु। बताने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा, संतों ने कहा, समझदारों ने कहा कि गुरु परम से भी ऊपर है, और ये सत्य भी है। स्वयं ने भी जाना है, गुरु नहीं तो परम भी नहीं, गुरु नहीं तो परम भी नहीं। गुरु मिला तो भगवान को भजने की आवश्यकता नहीं, एक ही गुरु के भीतर परम भी है, सब कुछ उसी में शामिल हो जाते हैं। आप समझें, बाहर की दुनियादारी में और भीतर की दुनियादारी में अंतर क्या है? बाहर की दुनियादारी में आप लड़का और लड़की का संबंध बनाया जाता है, कहा जाता है कि अभी आज से आप पति पत्नी, लेकिन हम उसी संबंध को पूर्ण संबंध मान के जीते हैं। एक स्त्री को, एक देवी को हम घर लाते हैं, उस देवी में हर रूप होता है, लेकिन आपको देखना होता है, लेकिन आप देख नहीं पाते। उसमें एक सच्चा साथी भी होता है, उसमें एक सच्चा प्रेमी भी होता है, जो खुद को भूला के प्रेम करता है। सच्चा साथी जो साथ दे स्वयं को भूल के, किसी भी बाधा को हटा के, किसी भी अड़चन को हटा के, स्वयं को समर्पण की मिसाल होती है। एक स्त्री, एक भारिया जो बाहर जिम्मेदारी दी जाती है, हम शादी करते हैं, सात फेरे लेते हैं और तरह तरह के बाहर जो भी
कर्म होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार हम एक साथ रहते हैं, संसार बढ़ाते हैं, बनाते हैं, संबंध भी बनते और बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं, बुद्धि की इंद्रियां देखते हैं कि सामने वाले ने मेरी बड़ाई नहीं की और बड़ाई की इच्छा चेष्टा रखते हैं, सामने वाले ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, सामने वाले मैं इतना सुंदर हूं या मैं इतनी सुंदर हूं, लेकिन सामने वाले ने मुझे उस सुंदरता की जब तक कोई बड़ाई ना करे तब तक वो सुंदर अपने आप को मानते ही नहीं। जबकि आप परम पिता ने, ऐसे कारीगर ने आपको बनाया है, ऐसे चित्रकार ने, ऐसे शिल्पकार ने आपको बनाया है कि आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन शरीर की संरचना को आप सुंदर कहेंगे तो वो सुंदरता नहीं है। भीतर की जो आपका मन, स्वभाव, आपकी आदत जो अच्छी है वही सुंदर है, वही आपको सुंदर बनाती है। लेकिन हम रंग रूप पे लीपापोती करते रहते हैं कि मैं सुंदर, लेकिन आपकी आदत सुंदर नहीं, आपका स्वभाव सुंदर नहीं, आपकी वाणी मीठी नहीं, आपकी सोच अच्छी नहीं, आप त्यागी नहीं, आप बलिदानी नहीं, कुछ देने की इच्छा नहीं रखते, लेने की इच्छा रखते हैं, तो आप सुंदर नहीं। जो याचक है वो बड़ा सिकुड़ के याचना करता है, जो दाता है वो बड़ा खुल के दान देता है, वो खुल के देता है। तो आपके भीतर तो अपार भंडार है हर चीज के, लेकिन आप फिर भी लेने की चेष्टा रखते हैं, कहां भरेंगे आपका काम नहीं, लेकिन आदत बनी हुई है मांगने की। इंसान से मांगे, दुनियादारी से मांगे, प्रकृति से मांगे या परमात्मा से मांगे, परमात्मा ने आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। आप देखें अपने भीतर तो किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो हमने बिगाड़ा हुआ है वो तो कौन ठीक करेगा, कौन सुधारेगा, हम ही सुधारेंगे। जो काम बिगड़ता है और भगवान को कहते हैं, भगवान कर मदद, मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ध्यान धरा नहीं, ध्यान धरें तो खुद ही उस चीज को, जो बिगाड़ते समय जो ध्यान था या नादानी थी, उसको ध्यान धरते ही वो चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हर एक आदमी चाहता है गुरु की नजर को मुझ पर एक बार देख ले, बस इतना काफी है। भावनाओं में बहें बड़े सुंदर हैं। एक बार भगवान कृष्ण जी एक बूढ़ी माता उनका श्रृंगार बनाती थी, फूलों का हार बनाती थी, पूरा श्रृंगार उनका करती थी, बनाती थी फूलों का श्रृंगार। पुजारी सब लोग उन्हीं से श्रृंगार लेते थे और सजता भी बहुत था, वो सजता भी बहुत था। एक दिन कुछ देर हुई, बूढ़ी माता हार श्रृंगार लेकर नहीं आई। पुजारियों ने कहा, एक पुजारी को भेजा, मुख्य पुजारी गया कि भाई अभी द्वार खुलने की तैयारी है और श्रृंगार भगवान जी का हुआ नहीं, और दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए उनके चरणों में अपना सर रखने के लिए आए हुए हैं, तो अभी तो बिना श्रृंगार के हम द्वार कैसे खोलें। वो उस बूढ़ी माता के घर जाता है और देखता है बूढ़ी माता जो हार भगवान के गले में पहनना है वो अपने गले में पहने खड़ी है और शीशे के सामने निहारती है। जब पुजारी ने देखा, पुजारी बड़ा गुस्से से लाल पीला हुआ, बुढ़िया ये क्या किया, भगवान को पहनाने से पहले तूने पहन लिया, अगर तू ऐसा करती है तो बड़ी पापण है, तुझे भगवान बहुत कष्ट देंगे, और तेरा पहना हुआ श्रृंगार हम भगवान को नहीं श्रृंगारेंगे। वापस आ गया, दूसरे लोगों को कहा गया, खुद बनाए श्रृंगार, लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया, सजे ही नहीं, खिले ही नहीं, सब गिर जाए अच्छा ही ना लगे। लेकिन सब सोच समझ के जब उन पंडितों की, पुजारियों की, उनकी पंचायत हुई, कहा गया आज तो बूढ़ी माई से ले लो, लेकिन आगे से उसको बंद करो, आगे से उसे श्रृंगार नहीं लेंगे और श्रृंगार किसी और से लेंगे। सबने कहा देखा, श्रृंगार बूढ़ी माई से आज लिया, औरों का, अनेकों का, बहुतों का श्रृंगार सजा, लेकिन भगवान पे सजा नहीं, सुंदर लगा नहीं, स्वीकार ही नहीं किया।
लेकिन उस बूढ़ी माई का श्रृंगार आते ही भगवान पे ऐसा सजा कि एकदम रोम रोम सबका पुलकित हो गया। रोम रोम के जो भी एक तरंग ऐसी, लहर ऐसी, ये बड़ी सुंदर लगी। सब अचंभित थे, सबने बूढ़ी माई को बुलाया, बूढ़ी माई ये तू अच्छा नहीं करती, बूढ़ी माई तू ये अच्छा नहीं करती। भगवान से पहले कोई भोग करता है क्या, भोग लगाता है क्या, भगवान से पहले कोई खाता है क्या, उसका भोग लगने के बाद ही पवित्र प्रसाद होता है। लेकिन भगत के भाव किसी के बंधन में नहीं रहते, उनके भावों से उनका कोई मोल नहीं होता। भाव ऐसे कि भगवान को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, और भगवान को कोई थोड़ा सा भी कण जितना भी उनको कोई नीचे गिराने की चेष्टा ना करे। नीचे तो कौन गिरा सकता है, भाव सबके होते हैं लेकिन स्वार्थ ही होते हैं, लेकिन जिसके स्वार्थ नहीं उसके भाव बहुत बड़े होते हैं, जिसका कोई स्वार्थ नहीं उसके भाव बहुत बड़े होते हैं। बूढ़ी माई आती है और कहती है मुझे क्या भूल है। तब पुजारी कहते हैं, मुख्य पुजारी भी कहते हैं कि आप भगवान से पहले वो श्रृंगार खुद पहने खड़ी थी और आप अशुद्ध कर देते हैं। बूढ़ी माई ने कहा ठीक है आपकी जो इच्छा है आप करिए, लेकिन मैं खुद श्रृंगार इसीलिए पहनती हूं, मैं खुद श्रृंगार इसीलिए पहन के देखती हूं क्या ये मेरे भीतर क्या मुझ पे ये सजेगा। मैं ना रहती, मैं नहीं रहती, मैं स्वयं में उन भगवान को देखती हूं और फिर हार पहनती हूं, ना सजे तो मैं तोड़ती हूं दोबारा से, फिर उसको बनाती हूं, फिर मैं अपने भीतर अपने भगवान को देखती हूं और फिर मैं हार को पहन के देखती हूं। अगर सजे मैं स्वयं नहीं रहती, जिस समय हार पहनती हूं हार बनाते समय मैं हूं, लेकिन जब हार पहनती तो मैं नहीं रहती, मैं कृष्ण भगवान हो जाती हूं। तो ऐसे भाव से भरे हुए को भी नमन और प्रणाम है, ऐसा भाव होना चाहिए, जरूरी है। आप जब भी भोजन बनाते हैं, जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो आप देखते हैं आप वो पुत्र मालिक स्वामी या मेहमान बन जाते हैं कि क्या उसको अच्छा लगेगा, वो खा के देखते हैं हाँ अब उनको अच्छा लगेगा। एक माँ में, एक भगत में, एक सेवक में इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। अगर ख्याल ना हो तो माँ भी नहीं, ख्याल ना हो तो भक्त और भक्ति भी नहीं, ख्याल ना हो तो वो सेवा भी नहीं, वो सेवक भी नहीं। आप स्वयं को निर्मित करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, स्वयं को निर्मित करने के लिए स्वयं ही स्वयं को प्रेरित करें। अपनी आदत क्रोधी, क्रोध छोड़ दे, क्रोध से क्या हानि है स्वयं को बताए। लोभी, लोभ छोड़ दे, लोभ से क्या हानियां हैं, कहीं और ख्याल ही नहीं रहता खाली इकट्ठा करने के लिए। क्रोधी का क्रोध छूट जाए उसको लगेगा मेरा सब भंडार खाली हो गया, एक क्रोध ही उसका भंडार होता है। लोभी का अधानी उसका भंडार, उसका लोभ ही उसका भंडार होता है। अगर वो खाली हो जाए तो भी उसके पास कुछ भी नहीं और वो एकदम शांत और हल्का अनुभव करेगा, उसके बाद नया निर्मित कर पाएगा। लेकिन ना छोड़े क्रोधी क्रोध को, ना छोड़े लोभी लोभ को। इंद्रियों के अधीन होने वाला पुरुष कामुक होता है, कामना पूरी ना हो तो क्रोधी, लोभ का लोभ पूरा ना हो तो क्रोधी। कामुक, कामुकता छोड़ दे, उसके भीतर की कामुकता खत्म हो जाए, दूसरों में कामुकता नजर नहीं आती, दूसरों में कामुकता नजर नहीं आती, आप समझे अपने भीतर की बुराई खत्म करनी है, अपने जो भी आदतें हैं वो छोड़नी होती हैं। छोड़ने के बाद तो एक प्रकार ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे पास जो मैंने बनाया था वो घर मैंने मेरा गिर गया है, अब क्या करूंगा, उसको भय भी रहता है, इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता कि मैंने जो घर बनाया था, मैंने जो आदत बनाई थी वो सही थी, लेकिन मैं उसको छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ भी ना रहेगा। लेकिन उसको छोड़े बिना, उसको त्यागे बिना आप दूसरा निर्मित नहीं कर सकते, सही निर्मित नहीं कर सकते, वो आपने बनाया है दुनियादारी को देखते हुए,
लेकिन अब बनाएंगे आप परम को देखते हुए, गुरु को देखते हुए, स्वयं को देखते हुए आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, आने वालों के लिए बनाएंगे। आज अपने घर परिवार संसार को हम बनाते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, हम घर कैसा बनाएं आज के अनुसार बनाएंगे। आज जैसा माहौल है, जो फैशन है, जो डिजाइन है, जो लगता है आपको ऐसा ही घर चाहिए, दुनियादारी में ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा आपने कभी सोचा ही नहीं कि उनसे हटके बनाऊं, जो सदाबहार रहे, आने वाले समय को देखते हुए आप बनाते हैं, लेकिन अपने अनुसार कभी नहीं बनाया। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, चार आदमी को बुला के लाते हैं, कैसा लगा। एक स्त्री श्रृंगार करती है, दूसरों को बुलाती है, कैसी लगती हूँ। कोई आदमी भी खुद को दिखाता रहता है, प्रदर्शनी करता रहता है, कैसा लगता है, मेरा बच्चा कैसा है। उस बच्चे की अगर लोग बुराई करते हैं तो उन वे लोग बुरे होते हैं, लेकिन उनका बेटा बुरा नहीं होता, आदत है। लेकिन लोग बुराई करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बेटा उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन हम दूसरों को ही कहते रहते हैं, लेकिन स्वयं के जो अंग है आपका, आपका पुत्र या पुत्री, उसको आप कभी नहीं कहते, उसको बड़ी शान से कहते हैं मेरी प्रेरणा से, जोड़े रखते हैं अपने आप को मेरी प्रेरणा से। लेकिन प्रेरणा तो होती है, लेकिन आपकी तपस्या, आपके भीतर जो सोच है, समझ है, हम बच्चों के सामने कोई भी कार्य गलत नहीं करते। गलत कार्य का मतलब कोई नशा पता या कोई झूठ नहीं बोलते या किसी को अभद्र नहीं करते, ये आदतें हमारे भीतर आ जाएंगी। लेकिन जो आपके खून में शामिल है, जो आपके स्वभाव में, चरित्र में शामिल है, जो आप छुप छुप के बुराइयां करते हैं, क्या वो उनके भीतर नहीं जाएंगी? जाएंगी, वो नहीं दिखती, लेकिन तरंग उनकी जुड़ी रहती है। वो तो आप पहले ही दे चुके हैं, वो जो चीज आप जिससे छुपाते हैं वो चीज तो आप पहले ही दे चुके हैं। जब आपने बीज बोया, वो सोच समझ तो उसी समय उस बीज में निर्मित हो गए, उसमें पुलकित होना शुरू हो गई। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही होना शुरू हो जाएगी, अगर आप गलत हैं तो वो बुराई भी उसके भीतर स्वयं ही निर्मित हो जाएगी। आप चाहे दिखाएं ना दिखाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनियादारी में बुद्धि सधेगी। आप जैसा स्वभाव घर में माहौल निर्मित रखेंगे वैसी बुद्धि सदेगी, लेकिन आप नहीं, उस बच्चे की आत्मा वो स्वयं नहीं। आदत बनाएंगे, आदतों पे ध्यान ना रखें। आपकी आदत किस प्रकार की है, भाव वो रखें जैसे सबरी के, भाव वो रखें जैसे सबरी के थे। एक वो बूढ़ी माता थी जो श्रृंगार करती थी, स्वयं पे उसको सजाती थी, स्वयं में भगवान को देखती थी, भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को देखती थी, स्वयं में उसको शीशे में स्वयं का स्वरूप ही नजर नहीं आता था, उस शीशे में उसको बाकी बिहारी नजर आते, भगवान नजर आते थे। ये हो सकता है दंत कथा है, लेकिन कुछ कुछ लगता है कि सत्य भी है। वो भी कथा है, वो भी ग्रंथ है, वो भी रामायण का हिस्सा है। सबरी ने झूठे बेर खिलाए, लेकिन झूठे बेर तो सबरी ने खिला दिए, झूठ तो देख लिया कि झूठे बेर खिलाए, झूठे बेर का लेकिन भीतर का अनुभव नहीं किया कि उसने ये सोच और समझ के चखे, वो झूठे नहीं किए, लेकिन कहीं कड़वे बेर ना चले जाएं भगवान के सामने, उसका भाव नहीं देखा, उसका इंतजार नहीं देखा, उसका सबरी का सबर नहीं देखा कि कितने दिन उसने सबर किया, कितने दिन उसने तपस्या की, उसका सबर नहीं देखा। लेकिन लोग तो क्या देखते हैं, 99 अच्छाइयां हो एक बुराई हो तो बुराई को डंडे के बांध के ऊपर आकाश में टांग देते हैं, इसमें ये बुराई है, लेकिन 99 अच्छाइयों को नहीं बताएंगे कि इसमें अच्छाई भी है। ये आदत है हमारी भी और हम सब की। हम पकड़ते क्या है, जो बुराई हो, जो गंदी आदत हो, गंदी सोच हो, उसको पकड़ते हैं, उसमें ये सोच है, ये गलत है, लेकिन उसके भीतर अच्छाइयां कितनी, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं, ना स्वयं के भीतर की। आप स्वयं के भीतर भी जितनी अच्छाइयां उनको जगाएं, आप ना समझे, अगर आप अपने भीतर की आदतों, गलत आदतों को ही छोड़ना शुरू कर देंगे तो अच्छी आदतें अपने आप स्वयं ही निर्मित होना शुरू हो जाएगी। आप ख्याल ना रखें, बीज जो बोया है अगर ख्याल ना रखें तो उसके चारों तरफ खरपतवार और
गलत चीजें ही सृजन होंगी, लेकिन आप उसको उखाड़ते रहेंगे तो बीज बड़ा सुंदर और सुशोभित हो पेड़ बनेगा, उसको पूर्ण सब कुछ मिलेगा, वो भूमि बड़ी शुद्ध और तपस्वी होगी, आपका ध्यान उस पेड़ पे होगा और वो पेड़ बड़ा ही सुंदर आपकी तरफ उसका ध्यान होगा। आप बातें कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिसको आपने, जो आपके कारण इस दुनिया में आया है वही आपसे बात करें, नहीं, ये प्रकृति और परमात्मा भी आपसे बात करने के लिए आतुर हैं, जो पेड़ और पौधे, लेकिन आपकी दृष्टि वहां तक नहीं है, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं है, अपने भाव अपना प्रेम ऐसा सुंदर बनाए, मन से मन मिले, बुद्धि से बुद्धि सधे, आत्मा से आत्मा, और जब आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो आपके भीतर गुरु विराजमान होंगे, आप देखें समझे, गुरु का मान बढ़ाएं, बढ़ाने के लिए है, जिनसे जन्म लिया है आपने, जो माता पिता हैं, आज भी अगर वो है या नहीं है, अपने दोनों हाथ जोड़ के उनको नमन और प्रणाम करें, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मैं बहुत सुंदर हूँ, आपका दिया सब कुछ है, आप ही मालिक हैं, आपके संस्कार, आपके संस्कार, आपकी विचारधारा, आपकी तपस्या मेरे काम आई, मैं बड़ा आभारी हूँ, आभार कीजिए, जो आपके संगी साथी हैं बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे स्वभाव के, उनका भी आभार कीजिए, उस गुरु का, उस परम का आभार कीजिए, आपकी दया से मेरा ध्यान धर्म है, मैं सही रास्ते पे, सही मार्ग में हूँ, सही कुल में जन्म लिया है, सही मुझे काम दिया है, और आज तक आपने दो रोटी मुझे अच्छी दी है, और जो भी चीज चित्र चरित्र जो भी मेरे भीतर या मेरे बाहर मेरे अपनों में है वो भी आप ठीक ही कर देंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा। जब आप जान जाएंगे ये गलत है, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ते, ना छोड़ना चाहते, हम जान जाते हैं लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया का हमें पता ही नहीं, तो ध्यान देना छोड़ दीजिए, अपने आप ही ओझल होनी शुरू हो जाएगी, एक पेड़ पे एक बीज पे बोया, आप ध्यान देना छोड़ दीजिए, कबाड़ में वो ऐसा अट जाएगा, बीज का पता ही नहीं लगेगा, वो नीचे होगा कबाड़ ऊपर होगा, लेकिन जहां ध्यान धरेंगे वो चीज, ध्यान धरने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ तो दृष्टि होनी ही चाहिए, बेकारी जो भी कुछ है वो हटाने ही जरूरी है, बेकारी को हटाने के लिए आपको लगन उत्सुकता मेहनत तो कुछ ना कुछ करनी ही होगी। आप प्रथम जो आराधना करें अपने माता पिता के चरणों के, जिसके माता पिता हैं भी, वो भी अपने ध्यान में धर लें, देखिए अगर आपका ध्यान सही है, आप सजे हुए हैं, तो आपके माता पिता के चरण कमलों के समान आपकी दृष्टि में आपका तीसरा नेत्र खोल के देखेगा, दिखेंगे पूर्ण माँ बाप भी आपको नजर आएंगे, और माँ बाप कितने गदगद होंगे, आप इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, वो माँ बाप भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश आप कराइए, वो रहता है, हर कोई रहता है, हर के दो तीन शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर से आप इस दुनियादारी, बाहर की दुनियादारी में आप कर्मठता है और पूर्ण है, लेकिन भीतर की दुनिया में इस शरीर छोड़ने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ही प्रवेश कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए स्वयं की इन आदतों को साधना जरूरी होगा, भीतर प्रवेश करने के लिए इन इंद्रियों का भीतर होना जरूरी है, जब तक ये इंद्रियां आपकी बाहर आंखें बाहर देखती रहेंगी भीतर में नहीं झांकेंगी, जिस दिन भीतर झांकना शुरू करते और भीतर आनंद है लेकिन फिर भी बुद्धि एक दूसरा बिगाड़ता है, आदत कोई सभ्य होता है, कोई बिगड़ा बिगड़ा जन्म नहीं लेता माँ बाप से, माँ बाप किसी को बिगड़ा हुआ जन्म नहीं लेते, लेकिन हमारी आदतें हमारे साथी संगी हैं जो हमें बिगाड़ते हैं, हम उनकी आदतों का अनुसरण करते हैं और उन्हीं अनुसार चलते हैं, ऐसा नहीं बिगड़ते ही हैं, सदते भी हैं, अगर अच्छे का संग मिल जाए, अच्छे का संग मिल जाए, सदे हुए का संग मिल जाए, सदे हुए की शरण मिल जाए, गुरु की शरण मिल जाए, बिगड़े हुए का मिल जाए तो बिगड़ जाएंगे, और गुरु की शरण मिल जाए, सदे हुए की शरण मिल जाए, और माँ बाप की शरण तो सदा रहनी ही चाहिए, माँ बाप की शरण तो सदा रहनी चाहिए, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप की शरण जरूरी है, जो अपने माँ बाप को साथ था, माँ बाप की इच्छा आज्ञा के अनुसार चलता है वो कभी नहीं बिगड़ता, माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकते, हो सकता है जो सोए हुए माँ बाप, सोए हुए माँ बाप हो सकता है, कईयों को अपने माँ बाप के प्रति बड़ी शिकायतें रहती हैं, लेकिन हो सकता है आप वो जागे ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा माँ बाप कभी भी
खराब नहीं होते। हाँ, जो शोधी में नहीं है, जो बेशुद्ध है, उनका मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जागे हुए पिता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप तभी जाएंगे जब आप जाग जाएंगे, जब आप जान जाएंगे, जब आज आप समझ पाएंगे। सूक्ष्म शरीर में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप इच्छा प्रबल होगी दुनियादारी को छोड़ने की, भीतर में प्रवेश करने की। और भीतर में आप स्वयं को देखें कि आप भीतर में प्रवेश, बड़ी सुंदर वेशभूषा, आपकी आंखें बंद हों, भीतर के आंखों में, भीतर की आंखें खुली हों, आपका ख्याल हो। एक समय ऐसा आएगा आप चित्र लकीरों द्वारा चित्र खींचेंगे, आप रंग भरेंगे, ऐसा लगेगा अभी बोलेगा आप वो सुंदर चित्रकार हैं, वो आप अच्छे चित्रकार हैं, आपको लगेगा कि अभी आपसे बात करेगा। लेकिन जो जीव है, जो जीव है, सजीव है, जो आत्मा है, वो तो सब गुणों से भरी हुई है। आप सब गुणों से भरे हुए हैं, और भीतर उस सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है और सद के भीतर की दुनिया के लिए ये बुद्धि काम करती है और भीतर की दुनिया के लिए ही मन काम करता है, फिर आप वहां के उस राजा के, उस परम पिता के अंश, फिर आप शादी कर सकते हैं, फिर आप शादी कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में आपने शादी का संबंध बनाया है, लेकिन भीतर की शादी का संबंध फिर आप बना सकते हैं, लेकिन वो परम पिता के साथ। वहां इंद्रियों को कोई स्वाद ना होगा, मन को भटकने का कोई स्वाद ना होगा, बस वहां तो एक मिलन है। बाहर की दुनिया में दो शरीर एक नहीं हो सकते, दो मन एक हो सकते हैं, दो बुद्धि एक हो सकती है, दो आत्माएं एक हो सकती हैं, लेकिन दो शरीर एक नहीं हो सकते। लेकिन भीतर की दुनिया में दो एक हो सकते हैं। जैसे बूढ़ी माता अपने भीतर अपने परम को देखती है और उसको श्रृंगार करती है, वैसे ही असली शादी भीतर है, असली सुहागरात भीतर है। बाहर की सुहागरात तो कुछ देर, कुछ पल के लिए है, लेकिन वो सुहाग की रात बड़ी सुंदर होती है। लेकिन वहां आपकी इंद्रियां काम नहीं करती, वहां विषय वासनाएं काम नहीं करती, वहां उन सब से परे होके, वहां तो एक दर्शन मात्र से, एक झलक मात्र से ऐसी बाहर आती है, ऐसी आनंद की लहर आती है, ऐसी खुशी होती है कि आप सोच नहीं सकते। उस माध्यम में आप प्रवेश करने के बाद कर सकते हैं। अपने माता पिता को नमन करें, हाथ जोड़े, अपना भीतर का शीश झुकाएं। इस माटी का शरीर, ये पांच तत्व का शरीर तो आपका झुकेगा झुकेगा, लेकिन भीतर अपने माता पिता, देखिए आप दूसरे के जन्म को सफल तब कर सकते जब आपका सफल हो, जब आपका सफल नहीं तो आप दूसरे का भी नहीं कर सकते। अपने माता पिता, अपने अपने माता पिता को नमन करें, प्रणाम करें। आप उनके चरणों में अपना कभी नहीं सर रखा होगा, जिसने रखा है बड़े बड़भागी हैं जीते जी, लेकिन आप अब उस सूक्ष्म शरीर के चरणों में अपना सर रखिए। आपकी दया, आपकी कृपा अपार है। आज मैं बड़ा आनंदित हूं, मुझे किसी भी तृष्णा वासना के मंदन में मैं नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, आपका आशीष चाहिए। वो माँ पिता बड़े सुंदर आशीष देते हैं, नमन भीतर से आप उनसे बात करें। उसके बाद आप आगे बढ़े, इच्छा रखें, खाली इच्छा ही आपकी पूर्ण होगी, इच्छा की ही पूर्ति होगी, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए। आप अपने गुरु का आह्वान करें, बड़ी सुंदर वेशभूषा में, बड़े सुंदर, एकदम ललाट ऐसा चमकता हुआ जैसे सूर्य भी फीका है, उनके शरीर से, उनके सूक्ष्म शरीर से ऐसा प्रकाश निकलता कि सूर्य भी फीका है, बड़ा सुंदर। उनकी मुस्कुराहट ऐसे के चारों तरफ मदहोशी ला दे, ऐसा माहौल कर दे कि शांति। वाह, अपने गुरु के चरणों में सर रखें और कहें, उनसे इच्छा रखें कि आपकी नौकरी चाहिए, आपकी चाकरी चाहिए, आपकी शरण चाहिए, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, अधिक से अधिक समय मुझे आप अपने संग रहने की कृपा करें। बहुत सुंदर, गुरु का आह्वान करेंगे, गुरु के सामने बैठ के उनको देखते हुए, गुरु राजी हो तो आप राजी हो तो गुरु राजी, एक दूसरे की कितनी सुंदर सहमति। अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपने गुरु का आह्वान करें, ओम नमो गुरुदेवाय नमः, ओम नमो गुरुदेवाय
जब आप सदे हुए हैं तो आपको पूर्ण है, आप दलदल से बाहर निकले हुए हैं, दलदल में फंसे हैं तो औरों को निकालने की मदद आपको जरूरत होगी। जो भी आदमी, जो भी लोग, जो भी भगत, जो भी शुद्ध आत्मा अगर सुनता है, अगर वो सदा हुआ है तो एक पल में जिसकी चाहत है, चेष्टा है, बहुत देर नहीं लगनी साधने में। लेकिन स्वयं को साधने में देर लगती है, लेकिन भीतर प्रवेश करने में उतनी देर नहीं लगती। जिनकी जागृति है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, वो तृष्णा और वासनाओं में वे लिप्त रहते हैं, वो उससे छुटकारा नहीं पाते। जो नीचे से ऊपर की तरफ सफर करते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ इस शरीर में ही सफर करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो तृष्णा और वासनाओं से और गलत आदतों से अपने आप ही धीरे धीरे आप जानेंगे, समझेंगे, हाँ मैं छूट गया हूं। इसीलिए साधना जरूरी है। अब अपने चारों तरफ देखें कि आपके चारों तरफ एक प्रकार का ब्रह्मांड प्रकाश है, जैसे भगवान से एक ओरा, एक लो, एक प्रकाश निकलता है, वैसे आपके चारों तरफ अनुभव होगा। आप थोड़ी सी गर्दन को उठा के रखें आकाश की तरफ और आप देख सकते हैं एक ऐसी दुनिया में आप पहुंच चुके हैं जो आपकी असली है। बाहर की दुनिया से आपको एक न एक दिन आए थे, एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने का विश्राम स्थान, भक्ति का स्थान, कर्म का स्थान वो है। यहाँ भी कर्म का स्थान है, लेकिन दुनियादारी में यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, वहां पे आपको अपार सुख और शांति और सब मिलेगा। वो आपकी दुनिया है, यहाँ किरदार है, वहां आपका घर है। आप अपने घर में किस प्रकार रहते हैं और किरदार करने जाते हैं वहां किस प्रकार रहते हैं, वो आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप ओम का उच्चारण करें, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहें। आप जो देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन एक बात और देखें, क्या आपके हाथ दो हैं? जब तक एक ना हो जाए तब तक आप ये ना माने कि उनका आदान और प्रदान। आपकी भिन्न भिन्न आपके हाथों की संरचना जो है वो एक दूसरे में प्रवाह करते हुए, ऐसे ही मन भी प्रवाह करता है। आपको लगेगा जो नाड़ियां एक में, एक हाथ में जो नाड़ी है वो दूसरे हाथ से मिल गई है और प्रवाह एक हो गया, जैसे लगा कि जोड़ हो गया है। हाथ दो नहीं बचे, एक ही बचा है। हाथ दो नहीं है, एक ही है। ऐसी आपकी सोच और समझ जब निर्णय एक हो जाए तब आप माने के आप सही हैं। आपको पहले पहले जब किसी भी नाड़ी, शरीर की नाड़ी को आप स्पर्श करते हैं तो चप चप की आवाज आती हो, उसके चटकने की आवाज आती है, उसकी ध्वनि आती है। तो ऐसे ही आपके हाथों में भी वो ध्वनि आएगी। अनुभव करें क्या दो है या एक है। बड़ा सुंदर भाव, लेकिन आपके भीतर जो यंत्र है, जो सितार है, वो बजता है, लेकिन जब आप उच्चारण करते हैं सही तब, लेकिन आपके भाव से उसमें संगीत निकलता है, श्रद्धा से उसमें संगीत निकलता है, आपके समर्पण से उससे संगीत निकलता है। वैसा ही आप उस महामाई का आह्वान करेंगे जो जगत जननी माँ है, धरणी माँ है। आप चाहते हैं रोज, लेकिन यही वो प्रक्रिया है। आपको रोज आपके सामने नित्य नए, बात एक ही है, रसोई आपकी एक ही है, लेकिन रोज नए स्वास्थ्य, नए पकवान आप उससे बना सकते हैं। शरीर यही है, क्रिया यही है, आप बढ़ सकते हैं। कुछ कहते हैं कि एक ही क्रिया से क्या सज सकते हैं, एक रसोई क्या सारी उम्र आपको अच्छे सुंदर स्वास्थ्य और स्वादिष्ट पकवान दे सकती है। इस शरीर भी दे सकता है। वैसे ही आप ये ना समझें ये हर दिन भिन्न हो, लेकिन भिन्न तो हो, लेकिन रसोई भिन्न ना हो, पकवान भिन्न हो, प्रसाद भिन्न हो, लेकिन रसोई भिन्न ना हो। रसोई तो वही है, उसी से सब कुछ निकलेगा, आपके शरीर से सब कुछ निकलेगा और अनुभव होगा आपको। तो उस महामाई का आह्वान करें, आपकी श्रद्धा और भाव से आपके गीत संगीत सुर आपके बदलेंगे, अच्छे लगेंगे, सुंदर होंगे, रोज सधेंगे। रोज अभ्यास करता है तो वो एक ना एक दिन सुंदर सदता है, दूसरे भी कहते हैं वाह, और जब तक आप नहीं सदते तब तक कहते हैं आह। तो आह और वाह में कितना अंतर है।
बहुत ज्यादा अंतर नहीं बोलने में, लेकिन आपके भीतर और बाहर आनंद और दुख में जितना अंतर, इतना ही इन वाणियों में भी अंतर। आप माँ का उच्चारण करेंगे, कहेंगे, पुकारेंगे माँ को, इस धरणी को, जननी को, शक्ति माँ को पुकारेंगे, माँ सहज शांत हो जाए। मार्ग पे एक चलते हैं, जरूरी नहीं एक जैसे लोग मिलते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न भी मिलते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग इंसान, अलग अलग सोच, अलग अलग समझ, सब कुछ मिलती है। मार्ग तो एक ही है भक्ति का, मार्ग एक ही है भक्ति का। आप अपनी गर्दन को घुमा लें अपने चारों तरफ। ऐसा नहीं कि आपकी सोच रुक जाती है, आपकी बुद्धि रुक जाती है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं, आप भयभीत हैं, विचारों से भरे हुए हैं, तो हो सकता है वो कार्य आपका सही और सुंदर कम ना हो, लेकिन निर्भय होना, निर्विचार होना, यही आपका काम है। आप घर से निकलते हैं कोई सामान लेके, क्या सामान घर से उतना ही बोझ लेके जाते हैं और उतना ही फिर वहां से लेके आते हैं? नहीं, घर से खाली झोला लेके जाते हैं जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। जब आप गुरु की शरण में जाए तो निर्विचार होकर जाएं, परम की शरण में जाएं तो सब कुछ छोड़ के जाएं, खाली करके जाएं। परम गुरु माता पिता जिस चीज की कमी लगेगी वो आपके मांगने से पहले ही दे दें, मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें जो आपके पास भीतर और बाहर जो भी संपदा है वो अपनी ना समझे, वो उसकी है। अगर आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा लगता है कि वो हर मास से जुड़ी हुई नाड़ियों से, बुद्धि इंद्रियों से बाहर हो चुका है, तो बहुत ही सुंदर बात है, आप दूसरी तरफ घुमा लें। लेकिन साध लें, लेकिन सहज रहें, शांत रहें, आप खाली रहें, आपके भीतर कोई विचार ना हो। विचार तो होगा, विचार तो होगा, क्योंकि बुद्धि है, आदत इसकी बनी हुई है, चुप रहने की आदत नहीं है बुद्धि की, लेकिन हाँ सोचेगी, लेकिन अब अच्छा हित की, प्रेम से भर के सोचेगी। पहले बुराई देखती थी, कहती थी ऐसा नहीं होगा, हमेशा रोका टोकी होती थी, लेकिन अब रोकने और टोकने की आदत नहीं, अब सहमत और सहज होने की आदत है। पहले आपकी बुद्धि असहमत रहती थी, हमेशा देखती थी कि उसने पूरा कहानी सुनाई, लेकिन सोचते थे इसमें क्या बुराई है, ये गलत कहा, ये गलत कहा, हर आदमी की आदत थी। आप सहज हो जाए, आप अपने पूरे शरीर को घुमा लें, लेकिन अब उस कहानी की जिसने सुनाई, उसकी गुणवत्ता, उसका उत्तर, उसकी सभ्यता, उसका आनंद देखता है, उसमें क्या अच्छा है, अब उसमें वो खोजता है। पहले बुराई खोजता था, लेकिन अब अच्छा ही खोजता है। अब इंसान के भीतर पहले दुश्मन देखता था, लेकिन अब प्यारा देखता है। वो आपकी बुद्धि और आपके मन की चाहत जब सधेंगे तो अपने आप ही परिवर्तित, परिवर्तन आ ही जाएगा। बस वही परिवर्तन है। वो दुश्मन था, उससे नफरत करते थे, आप प्यारा बन गए, आप प्रेम करते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो फर्क रहेगा। पहले आप भयभीत थे, अब निर्भय हो गए, अब आपको डर नहीं लगता, इतना ही फर्क रहेगा, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा शुद्ध और शांत हो गया है, सहज हो गया है, तो अब आप प्रिय आगे बढ़े हैं। इस कमर के हिस्से का कार्य इसको सिद्ध करना, इसको शुद्ध करना, इसको सहमत करना, सहमत करना ही आपका, लेकिन जबरदस्ती ही सहमत नहीं, लेकिन कर्म करके, लेकिन साधना करके, सद के चमकानी जरूरी है। आपकी कमर को लगता है कि आप सही हैं, तो दूसरी तरफ घुमा लें, बहुत ही सहज। आपका शरीर अगर सहमत होगा तो कभी भी आपसे बगावत नहीं करेगा।
कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेगा। अगर आपका शरीर सहमत नहीं है तो शिकायत करेगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो बागी बगावत करेगा। लेकिन सहमत है तो फिर कोई भय नहीं, आप निर्भय और निर्विचार रहें, आप वहीं आज्ञा पे रहें, आप शांत हो जाएं, आप अपनी कमर को घुमा लें अपने चारों तरफ। एक प्रकार का मंथन है, जैसे दही को मथने के बाद मक्खन निकलता है, छाछ अलग हो जाती है, कुछ चीजें अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग आप करने के लिए तैयार हैं, आप सक्षम हैं, आप समझदार हैं, आप समझे हुए हैं। आपके भीतर अनेकों प्रकार के विषय हैं, आप देखेंगे सही। एक बच्चा मन भटकता है, अभद्रता की तरफ बढ़ता है, लेकिन अभद्रता के कोई भी टॉपिक है, कोई भी साधन है, संसाधन है, हम दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी विचार आ ही जाता है, फिर भी विचार आ ही जाता है। लेकिन अभद्रता का विचार ना आए, ये स्वयं की जिम्मेदारी है, ये स्वयं की जिम्मेदारी है। आप शांत हो जाए, अपनी कमर को दूसरी तरफ घुमा ले। स्वयं को स्वयं ही रोका जा सकता है, स्वयं को स्वयं ही टोका जा सकता है, और स्वयं को स्वयं ही प्रेरित भी किया जा सकता है, किसी अच्छाई के प्रति, किसी सच्चाई के प्रति। हमेशा हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बुद्धि कहती है कि इससे कुछ कौन बताएगा, लोग पूछते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब तक आप स्वयं का फैसला ना कर पाएंगे, वो फैसला सर्वोपरि होता है, आप सदे हुए। लेकिन साधने के लिए आपको सदना होता है, उस मार्ग में चलना होता है। आप सहज हो जाए, आप शांत हो जाए, आप कमर को सीधा रखें, आपके कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल आपके सहमति की तरफ बढ़ता हुआ, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, अब आपका विश्वास बढ़ता हुआ, जो भार मैंने लिया है मैं पूरा अपनी मंजिल तक ले जाऊंगा। अपना बायां पैर सीधा कर लें, अब निर्भय हो जाते हैं। दायां पैर अपनी जांघ पर रखें। अब एक चीज का, एक बात और भी ध्यान रखें, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके फर्ज और जिम्मेदारी है, हमेशा आप भयभीत रहते क्या मैं निभा पाऊंगा, आप भयभीत रहते क्या मैं निभा पाऊंगा, भयभीत रहते हैं, लेकिन निभाने लायक तो आप पहले भी थे, आज भी और रहेंगे। परमात्मा वो निभाने के लिए आपको नहीं देगा, वो करने के लिए आपको नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। दोनों हाथ सीधे कर लें। परम पिता, पिता वो जिम्मेदारी नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई कोई अलग चल सकता है, कोई कोई अलग चल सकता है, व्यापार व्यवहार कर सकता है। गुरु नानक देव जी थे, पिता कालू शाह थे, धीरे धीरे ख्याति बढ़ती गई। एक दिन कालू शाह पिता कहने लगे गुरु से, गुरु नानक से, नानक अब तू मेरे पांव ना छुआ कर। उन्होंने कहा क्यों, क्यों पिता, क्यों ना छूं आपके चरण, क्या तू भगवान बन गया ना, मेरा ही मन करता तेरे चरण छूं। नहीं पिता, पिता ने कहा लोग तेरे से आशीष लेने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी होती है, सबको संतुष्ट करता है, सबकी झोली भर के तू भेजता है, तुम मेरे पास क्या है। नानक ने कहा पिता अगर मैं आपसे लूंगा तो आगे दे पाऊंगा, अगर आपसे ना ले पाया तो आगे भी ना दे पाऊंगा। तो अपना भंडारी बना के रखिए, अपना साहूकार बना के रखिए, आपका बना रहे साहूकार। एक हर एक आदमी चाहता है उसका बना रहे साहूकार, किसी भी आत्मा, पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा या बूढ़ी आत्मा, चाहे वो अनजाने में कहे, कोई अच्छा काम होता है तो भगवान से धन्यवाद देने के बजाय कहे जी बने रहो भगवान, आप भी बने रहो, भगवान जी आपका भला हो, भगवान जी आपका भला हो। तो उन भावों को देखिए आप कैसे 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 सुंदर भाव है। ये पांव जीव आपके ऊपर जाता हुआ, जीव आपसे ऊपर जाता हुआ, लेकिन ये ना समझे कि एक दिन में आप ढांचे को बदल देंगे, इस शरीर को साध लेंगे, लेकिन धीरे धीरे निरंतर। आज आप जिस प्रक्रिया पे हैं, शरीर कल को कहेगा सही, आज कर मेरा समाधान कर, मुझे तंदुरुस्त कर, मुझे खुश कर। जैसे गाय के आप रोज हाथ फेरते हैं, घुमाते हैं, उसकी आदि है, उसकी जैसे
आनंद आता है उसको, और वो रोज आपको पुकारती है। एक दिन ना जाए तो उस दिन आपको राह देखेगी आपकी, उसी भांति शरीर भी आपकी राह देखेगा। आपको आना होगा, आपको कर्म करना होगा, आपको पिछड़ना नहीं, आपको बिछड़ना नहीं, ये ध्यान रखना होगा। कमर से ऊपर मूलाधार आपका स्थान है, जिसको पता है वो ध्यान में रखे। मूलाधार जो जनेन्द्रिय वो बीच नीचे मूलाधार स्थान है। रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है, बाईं तरफ एड़ा नाड़ी है। इन नाड़ियों का बड़ा महत्व है। मानो कि ये इस दुनियादारी में जीने के लिए तीन टांगों की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया में पांव चलते हैं, लेकिन इन तीन टांगों के इस दुनिया से उस दुनिया में आप जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। दो नाड़ी वायु की है, एड़ा और पिंगला, और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जल प्रवाह करती है। उनमें अनेकों शक्तियां, उसमें सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं। उसी से आपका अध्यात्म बढ़ता है, उसी से आपका परिवर्तन बढ़ता है, उसी से आपका आनंद बढ़ता है, उसी से आप कर्म के क्षेत्र में, उसी से आपको जानकारी होती है कि मैं कौन हूं। अगर जान लेंगे, जानना चाहते हैं तो अभ्यास करें। नाड़ी एड़ा रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है, रीढ़ के नीचे सुषुम्ना है, उसके बाईं तरफ एड़ा नाड़ी है। यह नाड़ी मूलाधार दो जननेंद्रियों के बीच का स्थान है, जिसको अनुभव होता है। एक बार कोई आदमी गया तो राह नहीं बनती, वो दो चार पांच दस बार अभ्यास किया तो वहां पे पगडंडी राह नजर आएगी। हाँ, कहां से जाता था मैं, अगर दो चार दस बार एक ही रास्ते से चला गया तो राह नजर आएगा, रास्ता बन जाएगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा। रोज अभ्यास करें, रोज अभ्यास करें, रोज निरंतर, रोज सहज रहें, रोज शांत रहें। एड़ा नाड़ी आपके आधे शरीर में ऊर्जा भर गई है या नहीं, आप देखें। आपके आधे शरीर की सारी नाड़ियां चालित हो गई या नहीं, ये देखें। आपका शरीर आधा शरीर शून्यता में चला गया या नहीं, ये देखें। अगर चला गया है, आपका मन मानता हां हो गया ऐसा, लेकिन दर्द से कहते हैं हो गया, तो वो एक गलत बात है। लेकिन शून्यता में चला गया है तो एक सुंदर बात, सदी हुई बातें हैं। आपका शरीर कहता नहीं, नहीं सह पाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, जो मैं कहता हूं उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, उससे साधना बढ़ेगी, उससे मजबूती बढ़ेगी। अगर आपकी बाई नाक से आपकी वायु बाहर आती है, आपको लगता है स्पर्श करने से, स्पर्श आप किस चीज का करें, आप स्वयं बैठे वहां पे अनुभव करें, आपका ध्यान धरेगा तब अनुभव होगा। आप सहज हो जाए, आप शांत हो जाए, बिल्कुल सुंदर, आप सदते हुए अगर शरीर, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एकदम आप अनजान किसी को छेड़ देंगे तो छिड़ जाएगा, बड़ा भयभीत हो जाएगा, बड़ा कुंठित हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको बता के आप करेंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। आप दया पैर सीधा कर लें, दया पैर ध्यान में रखें, और आप बड़े सहज। कबीर साहब बड़े संत थे, कबीर साहब बड़े संत थे। रोज उनके द्वारे पे भक्त जन आते थे, कीर्तन करते, सत्संग करते थे, ज्ञान का प्रवाह बहाते थे। लेकिन उनके मन में ऐसा भाव रहता था कि जो भी आए चाहे रोटी भोजन के बिना ना जाए। वहां बेटा और उनकी पत्नी सुबह से शाम तक लगे रहते थे, सुबह से शाम तक लगे रहते थे। लेकिन भगत जी कबीर साहब थे कि वो रोज भोजन, सबको भोजन, सबके लिए लंगर लगाते थे। एक दिन ऐसा आया, कमाई उतनी थी नहीं, सब दुकानदारों ने, सेठों ने उनको सामान देना बंद कर दिया। पत्नी और पुत्र बड़े क्रोधी हुए कि सबने सामान देना बंद कर दिया, क्या कहीं चोरी करके लाए? अब आप क्या करते हैं? आपने भंडारा, आपने जग लगाया हुआ यहां पर, अब हम लाए कहां से, क्या चोरी करके लाए? कबीर साहब ने कहा, वाह, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची, पहले क्यों नहीं बताई, चोरी करके भी लाया जा सकता है, चलो आज शाम को चोरी करते हैं। कबीर साहब का पुत्र कमाल कहता है कि वाह, कितनी जल्दी सहज मान गए, आप क्रिया अपनी जारी रखें, ध्यान से देखें। अब पिता कहता है कि चलो आज शाम को चोरी करने जाते हैं, तो कमाल बड़ा अचंभित हुआ कि पिता कितने सहज होकर मान गए, चलो चलते हैं देखते हैं। अब शाम को किसी घर में चोरी करने गए, दीवार
काट दी गई, तोड़ दी गई, अंदर प्रवेश कर गए। बोरी अन्न की उठाने की तैयारी है तो उठा ले। लेकिन कबीर साहब का रुक रुक रुक, पहले मैं घर वालों को बता दूं, उनको जगा दूं कि हम आपके घर चोरी करने आए हैं और ये चीज लेके जाएंगे। कमाल बड़ा शब्द रहा, बता दिया तो फिर चोरी कहां रही, बता दिया तो फिर चोरी कहां रही। हां, चोरी नहीं करनी, शांति करनी है, शांति करनी। कमाल कहता है कि नहीं बताना, हम चोरी कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं चोरी तो कर रहे हैं लेकिन घर वालों को बता के करेंगे, तो उसमें भेद है। आप अगर ध्यान से समझे तो समझ सकते हैं चोरी में और सहमति में दोनों में अंतर है। लेकिन हमारे भीतर की जो बुराई है वो सहमत बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन सहमत हो जाए तो फिर आनंद है। आपका आदर्श शरीर नाड़ी पिंगला, रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी, उसकी दाएं तरफ नाड़ी पिंगला, आप एक क्रिया कर सकते हैं, स्वयं को साध सकते हैं। आधा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा भी तब आपको नजर आएगी, आप आधे शरीर पर भ्रमण और नजर और दृष्टि और पूरा ध्यान करके देखेंगे तो आधे शरीर के रोम रोम से जैसे प्रकाश आपको निकलता हुआ नजर आएगा, आधे शरीर में पूरा। तो नाड़ी पिंगला नाड़ी का जागृत हुआ कैसे देखेंगे, आप बैठेंगे नाक के नीचे दाएं तरफ बैठेंगे, आपको लगेगा कि हाँ प्रवाह पूरा का पूरा प्रवाह दाएं तरफ है नाक से बहता हुआ, और आप शांत हो जाए, सहज हो जाए। दोनों पांव सीधे कर लें, दोनों हाथों से दोनों पांव को सीधा कर लें। अब पांव में छोटा मोटा भी कोई कहीं आपको दर्द बचा हुआ तो एक बार फिर अपनी साधना कर ले, ऊपर तक ले जाएं, कमर तक ये चली जाएगी जहां से पांव शुरू होते हैं, और पूरे शरीर को साधना साधन करने की साधने की आपकी चेष्टा। अब मूलाधार दो जननी के बीच में जो स्थान है उस मूलाधार में आपका ध्यान आते ही आपका ध्यान वहां पहुंच जाएगा। वही तो एक इच्छा, वही तो एक सोच, वही तो एक चाहत है कि आप पहुंच जाएं, आप पहुंच जाएं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर आपके जो आपकी दुनिया में, बाहर की दुनिया में नहीं, आपकी दुनिया में जहां के आप मालिक हैं, जहां उस पिता ने आपको जो साम्राज्य आपको दिया हुआ है, वो उसमें जाने के बाद बड़े सुंदर फूल खिले हैं वहां, ऐसे जैसे प्रकाश सूर्य अभी अभी निकलता हुआ। आप सोचेंगे समझेंगे वाह कितना सुंदर, ये सूर्य भी कितना सुंदर लगता है। उस दुनिया में आप प्रवेश कर सकते हैं और आपका जहां तीसरा नेत्र है वहां पे आप रहें, वही आपका स्थान है, वहां रहेंगे। ध्यान आपका कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, अस्वेच्छा से आपकी इच्छा से वो आपका मन आपका काम करेगा, बुद्धि में विचार आएगा। जब तक आप जागृत नहीं तो मालिक मानो सोया हुआ, नौकर करेगा मन चाहे, लेकिन मालिक जागा हुआ है तो नौकर भी सद के रहेगा। उसी बात दो जनेंद्रियों के बीच में जो स्थान है वो मूलाधार का स्थान है, वहां से एक नाड़ी निकलती है, नाड़ी तीनों वहीं से निकलती है, लेकिन बीच में रीढ़ की हड्डी के नीचे से वो नाड़ी रहती है। इसमें बड़ी अपार संभावनाएं हैं, ये जल से भरी हुई है, ये गंगा मैया जैसी शुद्ध और पवित्र नाड़ी है, इसमें सब कुछ शुद्ध होता है, सब पवित्र होता है। मूलाधार से ऊपर नाभि से चार आंगल नीचे एक स्थान को चिन्हित करें, नाभि से चार आंगल नीचे एक स्थान चिन्हित कर लें। आपको नापने की जरूरत नहीं है, एकदम से आपका मन कहेगा यहां पे, वो चीज अपने आप बताएगी हाँ यहीं पे, यहीं पे। तो वहां नाभि से चार आंगल नीचे एक स्थान है, उसको कहते स्वादिष्ठान, वहां पे जल तत्व है। नाभि में, ठीक नाभि में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने नाभि को देखा, ध्यान किया और नाभि में पहुंच गए आप, स्वयं देखा यहां पे एक बटन है, वहां पे चालित आपका ब्रह्मांड खुल जाएगा, ऊपर आकाश में आपका ब्रह्मांड खुल जाएगा। नाभि में एक प्रकार की ऊर्जा जो पूरे शरीर में बहती, सारे ब्रह्मांड में बहती है, आप सारे जग को रोशन कर सकते हैं, सारे दुनिया को रोशन कर सकते हैं, नाभि में इतनी ऊर्जा है। आपके भीतर को तो उर्जित कर लें नाभि में, नाभि से ऊपर बढ़े हृदय के पास अनाहद, वहां एक प्रकार का विश्राम स्थान है, भक्ति का स्थान है, बैठ के वहां भक्ति कर सकते, विश्राम कर सकते, सोच सकते, समझ सकते, और जिसको चाहना, जिससे प्रेम करना है, जिसके प्रति आपकी प्रीति करनी है, आपकी लग सकती है और वहां पे उसका स्थान हो सकता है।
गले में विशुद्ध इन देवियां माता यहां विराजमान है, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली, लेकिन ये स्वयं की सोच है, स्वयं की स्थापना है। अगर कोई इस बात पे विश्वास ना करे तो उसकी मर्जी, लेकिन ये किसी और की नहीं, स्वयं की। मैं नहीं कहता ये सत्य है, लेकिन स्वयं की सोच, स्वयं की समझ है। मैं नहीं कहता ये सत्य है या मैं सत्य हूं, लेकिन ये स्वयं की सोच है, स्वयं की स्थापना है। आपकी मर्जी, पूजा का स्थान उत्तर में करें या दक्षिण में करें, पूर्व में करें या पश्चिम में करें, वो आपकी मर्जी है। आप अपने बैठने का, आपकी रसोई का, आप कोई भी साधन, आपकी मर्जी, आप किसी स्थान, उसी आधार पे स्वयं ने स्वयं की मर्जी से गले में तीन देवियों का विराजमान स्थान बनाया है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को स्थान दे सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। मैं ये न कहूंगा कि ये सभ्यता सही है और सदियों से चलती आई है, लेकिन स्वयं की मर्जी है, ये स्वयं की मर्जी है। और जहां तीसरा नेत्र है वहां पर आ गया, वहां स्वयं का स्थान और गुरु का स्थान है। वहां पे आने के बाद दो नाड़ियां एड़ा और पिंगला जो वायु की हैं वो मिल जाती हैं, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना वो भी मिलती है, त्रिवेणी बनती है। यहां ब्रह्मरंध्र है, यहां तीसरा नेत्र है, खुलता है, बाहर भी देख सकता है और भीतर भी। इसका प्रकाश बड़ा अद्भुत है। जहां तीसरा नेत्र है वहां से आगे बढ़े, जहां शिर का नरम भाग आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां पे सहस्त्रार है, वहां पे भी एक नहीं अनेकों मणियां चमकती हुई नजर आएंगी। और वहीं वही दसवां द्वार है, वही खुलने के बाद आपकी बहुत सारी विडंबनाएं खत्म होती हैं और उसी से आप बाहर निकलते हैं। आप धीरे धीरे सहज हो जाएं क्रिया को, आप देखें आपका पूरा शरीर, क्या आप अचंभित हैं कि पूरा शरीर दुखता है, दर्द से भरा है, आनंद से भरा है। वो आपकी समझ है, आपका अनुभव है, आप करें। आप समझें, आप अपने अनुभव से अपने दोनों हाथ ऊपर कर लें। हाथ बचे हैं जिनको आपने शून्य करना है, जिनको आपने, आपके पांव शून्य, आपकी कमर शून्य, आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा भी शून्य है। अभी आप ऐसा करने के बाद आप धीरे धीरे, अब जो काम जहां जिस रास्ते शुरुआत में एक स्थान पे आप पहुंचे हैं, आप अंगूठा और पहली नाड़ी बिल्कुल पॉइंट दबाएं और आपको लगे कि जैसे बहाव बहता है पूरी उंगलियों से लेके, बड़ी शीतलता, बड़ी आनंद, बड़ी ऐसा लगेगा कि जैसे शीतलता बढ़ती हुई, दर्द पीड़ा जाती हुई, और जैसे धीरे धीरे सब खत्म होता है, जैसे पानी नीचे से पंपिंग करके ऊपर पहुंचता है, इन हाथों से भी पंपिंग होती हुई गर्दन से होते हुए, और आप जहां तीसरा नेत्र वहां पे ये चीज पहुंचती हुई, हाथों में भी शून्यता का प्रवेश होता हुआ, हाथों में भी शून्यता का प्रवेश होता हुआ अगर आपका हो गया है तो आप समझें, सहज भाव रखें, प्रेम रखें, जिम्मेदारी जो आपकी है उसको आप निभाएं और निभाएंगे, ये दृढ़ निश्चय रखें। जो पहुंच पाया है बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस रास्ते पे जो पहुंच पाया है उसके पीछे पीछे जो नहीं पहुंचे वो भी पहुंच सकते हैं। अब आप शांत हो जाएं। अब देखिए आपके कानों में एक नाद बजता है, जैसे मंदिर में घंटियों की, एक नहीं अनेकों घंटियों की ध्वनि आपको सुनाई देगी। अगर आपके कानों पे आपका ध्यान है तो वो सुनाई देगी, अनुभव होगी। धीरे धीरे आपके शरीर के चारों तरफ वो घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। आप भीतर में देखते हैं, आपकी आंखें भीतर खुलती हैं या आंखें नहीं खुलती, भीतर में आंखें खुलती हैं तो सूर्य भी नजर आएगा, पूरा आकाश में लालिमा नजर आती हुई, अनेकों रंग का प्रकाश सूर्य से निकलता हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बड़े सुंदर, जैसे प्रकृति और परमात्मा ने स्वयं बनाए हैं। ये बाहर दुनियादारी में घर आपने बनाए हैं, आपका साम्राज्य, आपका स्थान, रहने का, सोने का, खाने का, वो आपके मन की इच्छा है। लेकिन अगर परमपिता विशाल है, परमपिता विशाल है तो विशाल ही उसका मन होगा, उसका हृदय होगा,
और विशाल ही उसका कर्म, विशाल ही उसकी सोच होगी। उसकी दुनिया को जानना, स्वयं की दुनिया को आप जान सकते हैं कुछ ही देर में अपने भीतर और बाहर, लेकिन परम की दुनियादारी को, मन को जानना अगर आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है तो जान सकते हैं। वैसे ही ऐसे अलौकिक जैसे पहाड़ भी बोलते हैं बड़े सुंदर ढंग से, सूर्य भी आपको बात करने से, आपका ध्यान देंगे तो बात कर पाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। एक आदमी अहंकार से भरा हुआ हमारी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन हमारी अभिलाषा है कि वो हमें देखे, हमसे बात करे, क्योंकि भीतर मन से उसकी गाथा कथा सुन के उससे प्रेम हो गया, लेकिन वो इतना अभिमानी है कि बात ही नहीं करता। तो आप भी इतने अभिमानी ना बने, आप हर चीज से, हर जीव से आमना सामना करें, मन से मन मिलाएं। हर जीव, चाहे पेड़, चाहे पौधा, चाहे इंसान, आपकी मर्जी है। आपको बुद्धि से टकराना है वो आपकी चाहत है, आपके मन से टकराना है वो चाहत है आपकी, कि आपकी आत्मा से आमना सामना करना है, मर्जी आपकी। इंद्रियों में इंद्रियां मिलानी है, आंखों में आंखें मिलानी है, या कानों में आने वाली ध्वनि जैसा आप कहते हैं वैसा आप सुनना चाहते हैं, जैसा आप सुनते हैं वैसा ही कहते हैं, नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आप आंखों में आंखें मिलाते हैं, सोच में सोच मिलाते हैं, या मन से मन मिलाते हैं, या शरीर से शरीर मिलाते हैं। अब किस प्रकार आनंद आता है बाहर की दुनिया में इस प्रकार, लेकिन भीतर की दुनिया में सूक्ष्म शरीर में जो कुछ है वही उसी से आपका साधन बन सकता है। आप शरीर के जो सिर का ऊपर का भाग है, अपने हाथ की हथेली को तान ले, बिल्कुल तान के रखें, कमर भी सीधी रखें, तान के रखें, आपका शरीर बड़ा सुंदर और आपका साथ देने वाला और निभाने वाला है। शरीर के रोग दोष विकारों को आप दूर करने वाले हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होंगे। हाथ की हथेली को तान के रखें, अपने सिर के नरम भाग के ऊपर सहज घुमाएं, जैसे लोटे के मुंह पे घुमाते हैं ऐसे ही, लेकिन दबा के नहीं, बड़े सहज भाव से 7 बार घुमाएं, जैसे आपने द्वार को खोला है, खोल दिया। आपने किसी भी द्वार को, दरवाजे को खोल दिया या खोलने की चेष्टा की, आपके भीतर वैसी भावनाएं सृजन होनी शुरू हो जाएंगी। 7 बार घुमाएं, आपने खोल दिया तो दरवाजा खुल भी गया, 10वां द्वार आपका खुल भी जाएगा। आप शांत हो जाएं। बहुत सारे साधकों की या आदमियों की ये चाहत होती, इच्छा होती, सोच होती, मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैं अपने जीवन में इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी दुखी हूं, इस बात को उत्तर कोई दे सकता हूं उनको, कोई समझा सकता हूं उनको? एक आदमी लहर गिनता हुआ समुद्र के किनारे बैठा है और वो भूल जाता और रोता पीटता है। लोग कहते हैं कि क्यों रोता पीटता है, कि मैं लहरें गिनी थी, इतनी लहरें मेरी हुई थी और मैं भूल गया, आगे की लहरें मैं कैसे गिनूं? लेकिन कोई बता दे उसको, कोई समझा दे उसको, वो गुरु ही समझा सकता है, गुरु ही बता सकता है कि जो लहरें तूने गिनी है उस पे उसको मिटा दे, और जो लहर पहली अभी आएगी तेरे सामने उसी से गिनती शुरू कर दे। बड़े चतुर होते हैं, बड़े समझदार भी होते हैं, उनको अनुभवी भी कह सकते हैं, कि किसी ने कहा कि एक दूसरे से क्रोध होकर एक कटाक्ष से एक प्रश्न पूछा कि धरती का केंद्र कहां है बताइए, लेकिन समझदार ने कहा, कील ठोक दी कि ये केंद्र बिंदु है, जाओ और नाप के ले आओ। उसको पता है कि नाप के ना ना नापने जाएगा ना उसको पता लगेगा, लेकिन उसकी तृष्णा मिट गई। बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे ही बहलाते हैं, पता माँ बाप को भी नहीं होता, लेकिन वो सामने वाले को तृप्त करते हैं। लेकिन अनुभव जिसको पता है कहाँ है, क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं, जिसके पास संतोष है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास लगन है, जिसके पास समझदारी है, ना हो कमी फिर भी रह जाए तो फिर गुरु है, गुरु मार्गदर्शन कर, गुरु की वाणी से वो पूरा ना हो, लेकिन भीतर में गुरु से आप वार्तालाप करेंगे तो वो अवश्य ही रूपांतरित होगा आपके जीवन में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
महामारी का आह्वान करेंगे, अपनी बाई हथेली भूमि पे रखें, धरती मां पे रखें, उस महामारी को आह्वान करें, जगदम्बा का आह्वान करें, लेकिन हथेली तान के रखें, अभी नजरें ऊपर रहे, आप देखते रहें, आप उसी स्थान पे रहें, बैठे रहें आकाश में जहां गुरु विराजमान है, जहां तीसरा नेत्र है, और आपने ध्यान किया हाथ की हथेली में, तो बड़ी सुंदरता, बड़ी शीतलता आपकी हाथ की हथेली में। महामारी को ऊपर देखें आकाश में, उनके चरणों में अपना शीश रखें, देखें शेतेश्वरा अष्टभुजा मां भवानी जगदम्बा, हे महामारी आपकी कृपा से सब कुछ सुंदर है, मुझे मैं जिस रास्ते पे मैं खुद के स्वयं की खोज में लगा हूं, मां मेरी मदद कर, आत्म साक्षात्कार करा मां, अनुभव करा दे माता श्री, हे महामारी आपके बिना ना जन्म है ना मरण है, कुछ भी नहीं, और यहां भी भीतर की दुनिया में प्रवेश करना आपकी मर्जी से नहीं, मुझे सफल बना मां, मुझे सफल बना। मांग सकते हैं माँ बाप से, जिनके पास अपने पास सब कुछ है, वैसे तो माँ बाप का सब कुछ अपना है, लेकिन कुछ अलग चाहिए तो माँ बाप के पास से मांग से, माँ बाप के पास सब कुछ है, और देने के लिए आपके पास भी सब कुछ, आप ये ना समझे कि आप कंगाल हैं, आपके पास कुछ भी नहीं। बाहर की दुनिया में धनवान होना, भीतर की दुनिया में कंगाल होना, और भीतर की दुनिया में धनवान होना तो बाहर की दुनिया में कंगाल होने, ये सभ्य है, हो सकता है ऐसा, जो है उसी पर निभाएं, निर्भर करें, और अधिक की आपके भीतर चाहत भी नहीं रहेगी बाहर की दुनिया में, जो मिथ्या जो मिट जाएगी, जो बाहर की दुनिया का धनवान है, भीतर की दुनिया का वो कंगाल रहेगा, भीतर की दुनिया का उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा, लेकिन भीतर की दुनिया कंगाल होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वो जिएगा ऐसे जैसे मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तो तेरा है, वो ऐसा नहीं कि वो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ भी वो पकड़ के नहीं रखेगा, उसको पता है कि सब कुछ तेरा, तू संभालेगा, वो अपना न मान के जिएगा, मालिक का मान के जिएगा, पिता का मान के जिएगा, पिता ये तेरा है, पिता ये तेरा, वैसे जिएगा जैसे मेरा है ही। बहुत सुंदर महामारी से प्रार्थना करें, हे देवी, हे जगदम्बा माँ, हे माता श्री, मेरे शरीर में कोई रोग दोष विकार है तो माँ अपने भीतर संभालें, मुझे आत्म साक्षात्कार कराएं माता श्री। बहुत सुंदर, अगर आपके हाथ की हथेली में शीतलता है तो आप समेट लें, पिता से प्रार्थना करें। दाया हाथ तान के रखें, अभी नजरों के सामने ना हो लेकिन दाई तरफ हो, तान के अगर तना हुआ हाथ है तो पक्का शीतलता आएगी। बहुत बहुत सारे साधक, बहुत सारे पुण्य आत्मा इस चीज का अनुभव लाभ सबको मिलता है, लेकिन जिसका ध्यान कम है उसका कम लाभ मिलता है। जो दुखों से दूर है, जो चिंता और भय से दूर है, जो निर्भय है, जो निर्विचार है, उनको इसका अनुभव अवश्य होगा। सामने ध्यान आपका हाथ की हथेली में, और परमपिता जगदीश से रूबरू आमना सामना, उनके चरणों की आराधना आपको करनी है। विराट स्वरूप भगवान विष्णु, गीता ज्ञान के सागर, हे पिता, मेरे शरीर में कोई रोग दोष कोई विकार है तो उसे दूर करें, मेरी सोच समझ को सभ्य करें, साधें, मैं अपना जीवन अच्छे से जीऊं और आपकी शरण पाऊं। हे पिता, मैं चाहता हूं मैं अपने माँ बाप का चाकर बन के रहूं, नौकर बन के रहूं, उनकी शरण में रहूं, मेरी इच्छा को थोड़ा सा बल मिले, आपकी कृपा मिले, आपका आशीर्वाद मिले, बहुत सुंदर बात है। अगर आपकी हाथ की हथेली में सुंदरता शीतलता है तो आप कहें पिता से, तो मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, कराइए, और दोनों हाथ सिर के नरम भाग के बराबर कर लें, हथेली को तान के रखें, अगर आपके दोनों हाथों की हथेली, ये ध्यान रहे, सिर के नरम भाग के बराबर, आपको वैसे तो पता नहीं रहेगा, आंखें खोले बगैर पता नहीं लगेगा, इस दुनिया में आने के बाद ही पता लगेगा सिर कहाँ है हमारा, अगर भीतर की दुनिया में तो इस दुनिया में आपको पता नहीं होगा सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पेट कहाँ है, पांव कहाँ है, आप कुछ भी पता नहीं हो, अगर पता है तो आप इसी दुनिया में हैं, पता नहीं है तो उस दुनिया में,
यही शरीर को साधने की एक प्रक्रिया है। क्रिया प्रक्रिया तो और बहुत होंगी, सुंदर भी होंगी, सबके पास अच्छी भी होंगी, लेकिन जो स्वयं को पता है बस उतना ही कहेंगे। आप लोग सभ्य और बड़े सुलझे हुए हैं। अगर आपकी हाथ की हथेलियों में शीतलता और सुंदरता है, आपके सिर के नरम भाग पे आपको हलचल लगती है कि भीतर से धारा बहती है, अनुभव होगी कि जैसे जल की धारा इस शरीर से बहती हुई गंगा मैया की तरफ, और बड़ी बोछार गंगा मैया भी सामने है, उनको भी नतमस्तक करें। अगर आपके हाथ के हथेलों में और सिर के नरम भाग पे हलचल नजर आती है, अनुभव होती है, तो आप परम पिता से कहे, पिता क्या यही आपकी कृपा है, क्या यही आपकी दया है, और आप शांत हो जाए, बड़े सहज हो जाए, बड़े शांत हो जाए। आज आप एक नियम लेंगे, बुद्धि को जितना सहज रखे उतना अच्छा है। आज तक ये वाणी आपकी बुद्धि की सोची और कही हुई बात ही कहती है, आपकी जबान आपकी वाणी। आज से आप स्वयं अपनी वाणी बोलेंगे, अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे, वाणी से असभ्य बातें जरूर से ज्यादा कुछ न बोलेंगे। एक सप्ताह 7 दिन का आप नियम लेंगे। आज भगवान गणपति को जो आपके मूलाधार जो नीचे का स्थान है जहां से आपकी शुरुआत होती है, महादेव जी के अंश हैं, महादेव जी तो आदि और अनंत है। आज भगवान गणपति को अगर आपने अपने माता पिता के दर्शन किए हैं, अगर अपने गुरु के दर्शन किए हैं, तो एक बड़े विशाल आकाश में बड़े भगवान गणपति के दर्शन भी आप कर सकते हैं। बड़े सुंदर तन भी ऐसा चमकता हो जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता, माथे पे मुकुट, हाथ में गदा, लड्डू भोग उनके सामने हैं। बड़ी आंखों से बातें करते हुए, मुस्कुराहट करते हुए आंखें बताती हैं कि प्रेमी है, प्यारा है, भयभीत है या निर्भय है, ये आंखें भी बताती हैं। पढ़ने वाले की जरूरत है, समझने वाले की जरूरत है। आज हम भगवान गणपति को नमन करके, प्रणाम करके, उनको साक्षी मान के, जान के उनके आरती उतारेंगे भगवान गणपति का। सब लोग उठने के बाद उनकी आरती उतार सकते हैं भगवान की, गणपति को। शुरुआत के लिए गुरु और गणपति वैसे तो एक ही है। सार शुरू करने से पहले, कर्म शुरू करने से पहले, जीवन और जन्म शुरू करने से पहले, कर्म शुरू करने से पहले सब गुरु और भगवान गणपति का आशीष लेते हैं। आज आप 7 दिन के लिए मौन रखेंगे, अपनी वाणी पे अधिक वाणी ना बोलेंगे, सहज और शांत रहेंगे। आपकी वाणी में अगर कोई सोच आती है तो उसको टोकेंगे, रोकेंगे नहीं, कुछ सोचना नहीं, सब कुछ तो दिया हो परमात्मा की कृपा से। आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कोई अशभ्य वाणी गलत किसी का प्रतिरोध किसी से प्रतिशोध मैं नहीं करूंगा। आज 7 दिन के लिए अपनी बुद्धि को विराम देके स्वयं वाणी संभाले, कमान संभाले अपनी जबान की, अपनी वाणी की, रस से भरी हुई आपकी वाणी हो, सहज हो, शांत हो, श्रद्धा और भाव से भरे रहे। आपकी प्रेरणा बड़ी सुंदर है, बड़े आनंद में मैं हूं आज। आप सब की कृपा दया मुझे प्राप्त हुई, आप सब की कृपा आप सब की दया मुझे प्राप्त हुई, मैं धन्य हुआ। आपके भीतर अनेकों संचार हैं, राह है, गुणों की खान है, अनेकों सुंदर अमृत जैसे समुद्र हैं। आप बड़े सुंदर हैं भीतर से भी और बाहर से भी। आज के लिए इतना ही। आप सबको और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम।